स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिक्की के एक्सपेरिमेंट सर। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज हमेशा बड़े बड़े पटाखों और रॉकेटों में यूज किया जाता है। तो एक सिंपल से साधारण से तरीके से इस माचिस से आज हम बनाकर आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज को, किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाया जाता है। उसमें जो वायर लगा होता है एक छोटा सा, वो किसका वायर होता है वो भी आज हम बताएंगे। तो इसमें एक तीली होगी जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाया जाता है। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको हमारे वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास है जूनी और इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, जो कि घर में बर्तन मारने के लिए यूज की जाती है। और उसके बाद मुझे आवश्यकता पड़ेगी एक माचिस की। इस तरह की एक तीली को निकाल लेंगे, इसमें से एक वायर को निकालेंगे जो कि एक वायर की तरह दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास एक वायर है जो कि एक जूनी का वायर यूज किया जाता है। तो इस वायर को थोड़ा हम काट लेंगे, कैंची की मदद से इसको हम काट लेंगे। ये देखिए, ये छोटा सा एक वायर है जो कि मैंने जूनी से निकाल लिया है। अब इस वायर में हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक छोटी सी केबल है, इस वायर को इस तरह से हम बांधेंगे। जैसा कि देख रहे हो इस तरह से वायर को फिट कर लेना है इन दो केबलों में। इस तीली को अच्छी तरह से इसमें हम सेट करने वाले हैं। इस तरह से हमारे पास एक टैप है जिसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे। इस तरह से फ्यूज को बना लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैंने जो वायर निकाला था जूनी से, वो इस वायर को मैंने लगा दिया है। वायर आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से, छोटा सा वायर है, मैंने इसमें सेट कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे ये चलता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो गाइस जैसा कि देख रहे हो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसको हम देख रहे हैं प्रूव करके कि ये मेरा काम करता है कि नहीं करता है। तो हमारे पास एक है ये बॉम्ब जो कि इसमें हम इसको सेट करेंगे, फिर उसके बाद इससे देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छी तरह से हमारा काम कर रहा है कि नहीं। और ये हमारे पास एक बैटरी जिसका हम यूज करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट के लिए, आप यहां पर छोटी सी बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास बैटरी और मैंने फ्यूज को उस बॉम्ब में कनेक्ट करके रखा है। अब हम इस ये जो केबल है इसमें हम सेट करेंगे और सेट करने के बाद जैसे ही हम दोनों तारों को लगाएंगे फिर देखते हैं क्या सीन क्रिएट होता है। तो चलिए अब हम करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे।